नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। सतगांवा प्रखंड के अंतर्गत बासोडी हाट मैदान में बहुउद्देशीय भवन में दो माह से चल रहे निशुल्क DEGS कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया। दो माह पहले होना था, लेकिन व्यस्त रहने के कारण आज हुआ। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री, भारत सरकार सह सांसद कुडरमा अन्नपूर्णा देवी, उपायुक्त आदित्य रंजन, जिला परिषद अध्यक्ष रामधन यादव, प्रमुख ललिता देवी और BDO बैद्यनाथ उराव दीप प्रज्वलित कर और फीता काटकर शुभारंभ किए। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री, भारत सरकार सह सांसद कुडरमा अन्नपूर्णा देवी ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है और आज के समय में कंप्यूटर का ज्ञान बहुत जरूरी है। डिजिटल इंडिया का सपना तभी साकार होगा जब हर घर डिजिटल साक्षर होगा, सभी बच्चे बढ़ चढ़ कर कंप्यूटर का प्रशिक्षण प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि खुद सीखें और दूसरों को भी सीखने के लिए प्रेरित करें, सभी कंप्यूटर के ज्ञान से परिचित हों ताकि भविष्य में कंप्यूटर के बारे में जानकारी रख सकें। वहीं कोडरमा उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि कंप्यूटर का ज्ञान आज के युग में होना बहुत जरूरी है, इसी को देखते हुए हमने कंप्यूटर का प्रशिक्षण शुरू करवाया। कोडरमा जिले में ज्यादा से ज्यादा लोगों ने कंप्यूटर का प्रशिक्षण लिया है और आगे भी प्रशिक्षित होंगे, आने वाले समय में इसका दूरगामी परिणाम देखने को मिलेगा। वही जिला परिषद अध्यक्ष रामधन यादव ने कहा कि यह कोडरमा जिला प्रशासन का सराहनीय कदम है जिसका आप ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं, ज्यादा से ज्यादा बच्चे सीखें और अपना भविष्य उज्ज्वल बनाएं। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री, मंत्री सरकार सह सांसद कुडरमा अन्नपूर्णा देवी, उपायुक्त आदित्य रंजन, जिला परिषद अध्यक्ष रामधन यादव व अन्य अतिथियों द्वारा अभ्यर्थियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र वितरण किया गया। बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन हटिया मैदान का सौंदर्यीकरण, यानी यहाँ ये जो आज डस्ट उड़ रहा है, हमको मास्क लगाना पड़ा डस्ट के वजह से, तो आप हटिया मैदान का सौंदर्यीकरण पेवर ब्लॉक आप उसमें लगवा दे ताकि लोगों को भी परेशानी ना हो और जो इस मैदान में आने वाले हैं, चाहे वो हमारे सब्जी बेचने वाले लोग हो या अन्य कोई भी हटिया में आने वाले सतगावा के दूर दूर से लोग आते हैं, तो उनको परेशानी ना हो इस डस्ट की वजह से। आज हम पर्यावरण की भी बात करते हैं, पर्यावरण कैसे संतुलित हो, और उसके लिए आप सबसे भी आग्रह करेंगे कि उसमें सहयोग आप भी दें। अभी ये छठा सेंटर हमारा उद्घाटन पहले ही होना था, पर आज मैडम के कर कमलों से होने वाला है और हमको लगता है कि कोडरमा में एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा और मैं इस मंच से अभी सभी को बस एक सूचना के तौर पर बस बताना चाहूँगा कि DEGS का जो कार्यक्रम है हमारा 6 सेंटर में चल रहा है, अभी तक लगभग 8 से 10 हज़ार बच्चों को हम लोग ट्रेनिंग दे चुके हैं। वो भारत सरकार द्वारा उसको इनोवेशन, डिजिटल इनोवेशन अवार्ड में भी शॉर्टलिस्ट किया गया। आज सतगावा में कंप्यूटर सेंटर का विधिवत उद्घाटन होना है और इसके पूर्व विगत 2-3 महीने से यहाँ पर कंप्यूटर सिखाने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आप इसको देख रहे हैं कि शुरुआत कोडरमा, झुमरी तिलैया, डोमचांच, जयनगर, चंदवाड़ा होते हुए आपके सतगावा सुदूरवर्ती इलाका में आज जो से विधिवत उद्घाटन किया जा रहा है। आज कंप्यूटर उद्घाटन और जो कंप्यूटर सेंटर और जो बच्चों को जो पढ़ाई, बच्चों को जो टेक्नोलॉजी सिखाने के लिए जो हम भूमिका जो पहल करने का काम किए, ये किसी तरह से कोई सरकार का गाइडलाइन नहीं है, लेकिन एक सोच डेवलप करने के लिए बहुत सारे जिलाधिकारी कोडरमा में आए हैं, आएंगे भी, लेकिन कुछ हटके दिखाने के लिए हमारे जो माननीय उपायुक्त महोदय के द्वारा एक पहल किया गया। वी टाइम न्यूज के लिए कोडरमा से कौशल पांडे की रिपोर्ट।